हाँ कितने बजे कितने बजे? हाँ कल सवेरे 5 बजे के बाद में मंगला आरती के बाद में शुभ मुहूर्त है, समय अच्छे, इसलिए कल यहाँ पर गुरु जी के अभिषेक होगी। अभिषेक के बाद में फिर हम लोग यहाँ एकादशी कल यहाँ पर व्रत को खोल करके पारण करके कुछ प्रसाद लेकर के फिर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। बोले गौरांग भोली ते हवे फुला का शरीर हरी हरी बोली ते ना प्यार बबनिया Yeah.
नाम को ग्रहण करते थे, करते समय महाप्रभु का शरीर में एक साथ में अष्ट साथी भी विकार प्रकट होता था। मतलब आठ जो प्रेम का लक्षण है, महाप्रभु का शरीर में सारे लक्षण एक साथ दिखाई पड़ता था। जगत में नियम है, अगर उसमें जो श्वेत शरीर में पसीना निकलना, रोंगटे खड़ी हो जाना, आंखों से आंसू बहना, स्तंभ हो जाना, कहते साधारण व्यक्ति को अंदर में प्रेम का केवल एक ही लक्षण दिख सकता है। श्वेत होगा तो रोमांच नहीं होगा, रोमांच नहीं होगा तो पुलक नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु जब हरिनाम कीर्तन करते थे, उनको शरीर में एक साथ में आठ लक्षण एक साथ में प्रकट होता था, जिसको देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने सुने थे इस प्रेम का ये सब लक्षण होता है, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस समय इसी नाम को लेकर के जिस समय जगन्नाथपुरी में पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते हुए उनको जैसे लगा मानो वृंदावन में कृष्ण कदम वृक्षों को नीचे खड़े होकर के मेरे को बुला रहे। महाप्रभु भागे उनको पकड़ने के लिए, और पकड़ने जा रहे थे पंडित लोग उनको रोक दिया, ये कहाँ से, ये सन्यासी बीच में कहाँ से आ गया है। इसने में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर पहुंचे थे ठाकुर की इच्छा से। इन्होंने महाप्रभु का शरीर में कभी सुना था ये प्रेम का कोई लक्षण प्रकट होता है, अभी तक उन्हें जीवन में कभी देखा नहीं। पहला बार उन्होंने महाप्रभु का शरीर में देखे। ये सार्वभौम कौन है? यदि स्वयं बृहस्पति जी है, स्वयं देव गुरु बृहस्पति है, देख करके समझ गए। इसलिए जब महाप्रभु ये हरिनाम कीर्तन करते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, हैं? कभी जमीन पर लौट पोट खाते थे, कभी नृत्य करते थे। महाप्रभु ने पूछे, भैया ये आप ये हरिनाम कीर्तन करते नाचते गाते लौटते हैं क्यों? देखो गुरु, महाप्रभु ने क्या कहा, बोले गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन, तू भी मूर्ख तुम्हारे वेदांत ना ही अधिकार। बोले देखो मेरे गुरु जी ने कहा, देख बेटा तुम मूर्ख हो, तेरे को ये वेदांत में अधिकार नहीं, वेदांत तो बड़ा कठिन ही शब्द है, हाँ ये तो पंडितों का काम है, तुम तो मूर्ख है। इसलिए क्या करो कि जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, क्या है वो निचोड़, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, और जोर से बोलो पालन करते हुए। मैं तो दिन रात ये हरिनाम कीर्तन करते रहा। ये हरिनाम कीर्तन करते 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 पता नहीं एक दिन मेरे बुद्धि है ना एकदम मेरे बुद्धि हाँ विकृति जैसे हो गई, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं चला। इसलिए जब जब मैंने ये हरिनाम कीर्तन करता हूँ, तब तक मैं देखता हूँ वृंदावन में जैसे जमुना नदी कलकलनाथ से बह रही, बड़ी सुंदर कदम का वृक्ष है,
और उसको नीचे श्याम सलोना सा एक सुंदर बालक जो पीतांबर पहना हुआ सर पर मयूर मुकुट भी है और उन्होंने सुंदर सुंदर बंसुरी की आवाज सुंदर सुंदर बंसी ध्वनि कर रहे हैं। मैं जब जब हरिनाम करता हूँ वृंदावन में ये कृष्ण को जमुना किनारे में खड़े हुए देखता हूँ और मेरे को बुलाता है इधर आ जा। मैं तो देख करके पागल हो गया और उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, पकड़ ही लिया, फेंका हुआ हुआ नहीं और दूर में खड़े होकर मेरे को इधर आ जा। इसलिए जब जब मैं वृंदावन के हरिनाम कीर्तन करता हूँ तब तक वृंदावन में कृष्ण को बंसरी बजाते हुए जमुना किनारा में देखता हूँ और ये जान बुझ कर मैं नहीं नाच रहा हूँ, जान बुझ कर के मैं रो नहीं रहा हूँ, जान बुझ कर के ये लौट पड़ नहीं खाता हूँ। ये हरिनाम कीर्तन मुझे ऐसे करवाता है, ये हरिनाम ही हमें ये करवाता है। बात सुन करके बोले भैया यही हरिनाम की यही फल है। जब ये चीज हमारा शरीर में भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा समझना, बस हरिनाम करना हमारी सार्थकता हो गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 कहते प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र या जब किया समय करिया निर्बंध। ये हरिनाम कब ऐसे फल देगा? बोले महाप्रभु कह रहे हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया, ये हरिनाम को नियम से निर्बंध मतलब होता है भक्तिविनोद ठाकुर, निर्बंध का मतलब कहते 1,00,000 कम से कम हरिनाम करनी चाहिए, 1,00,000 मतलब निर्बंध मतलब 1,00,000 हरिनाम करनी चाहिए। इसने महाप्रभु को जो निमंत्रण दिया भक्तों ने बोले भैया जो तो लखपति उसको घर में खाना खाएंगे, जो लखपति उसको घर में खाना खाएंगे। बोले लखपति हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, लखपति उस समय तो एक सोने का मोहर होगा 1,00,000 स्वर्ण पर, हमारे घर में 100 रुपया तक नहीं, आप कहते तो लखपति को घर में खाना खाओगे। महाप्रभु ने क्या बताया? बोले असली लखपति कौन है? जो रोजाना 1,00,000 हरिनाम ग्रहण करते हैं वो असली लखपति वही है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली कृष्ण नाम के तेरे मोती में बिठराओ गली गली ले लो रे कोई कृष्ण का जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए माया के जो बने पुजारी आखिरियों का ताल हुए सोना चांदी माया वालों में समझाओ गली गली कृष्ण नाम के इसलिए महाप्रभु ने बोले ये हरिनाम को नियम से करना पड़ेगा, निर्बंध मतलब 1,00,000 का है, हाँ 1,00,000, लेकिन ये कम से कम 1,00,000 नहीं कर सकते हो। अगर एक दिन में लखपति नहीं हो, 4 दिन में तो लखपति हो सकते हो कम से कम, मतलब एक दिन कम से कम तो 16 माला तो कम से कम करनी चाहिए, इसको नीचे कभी नहीं उतरनी चाहिए। मैंने देखा श्री बामन गोस्वामी महाराज जब हरिनाम देते थे मैं उनके पास में बहुत दिन में खड़े रहा, महाराज कैसे हरिनाम देते, बामन महाराज करते थे पहले 16 माला से माला शुरू कर, उनका ये आदेश है 16 माला से इसका नीचे नहीं, 16 माला करना ही है, उसको नीचे कभी नहीं उतरने का, कोशिश करना जैसे उसको ऊपर धीरे धीरे बढ़ सकते हो। महाबावन गोसाई महाराज कहते थे हम भगवान को प्रेम करते हैं इसमें क्या लक्षण है? जब किसी एक लड़का देखे लड़की को, लड़का लड़की को प्रेम करता है क्या करता है? वो जान देने के लिए तैयार रहता है। एक माँ एक लड़का को प्रेम करता है उसके लिए दिन भर, आप देखे होंगे बच्चे को तो पालना किए होगी, पागल बन जाते हैं उसको पीछे, क्योंकि प्रेम का लक्षण प्रेम अंदर में छुप नहीं जाती है, वो प्रेम बाहर प्रकट होती है, वो बाहर निकलती है, वो निकल अंदर में छुप नहीं जाती है। इसलिए ब्राह्मण गोस्वामी महाराज कहते थे 16 माला से नीचे कभी नहीं उतरना,
बल्कि उसको ऊपर करना। बोले क्यों? बोले भगवान को तो प्रेम करते, उसमें क्या लक्षण है? प्रभुपाद तो कहते थे, कोई कोई कहते ना हमारे पास समय कहा हरिनाम करने के लिए, प्रभुपाद तो कहते थे भगवान ने 24 घंटा तुम्हें दिया, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो। 8 घंटा का ये बात है, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो। अगर 8 घंटा नहीं कर सकते हो, अरे उसमें तो कम 16 वाला तो कम से कम करो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं यहाँ जप किया सबे करिया निर्बंध, निर्बंध मतलब नियम की तो प्रभु 1 लाख महाप्रभु तो कहते हैं है? इसलिए अगर ऐसे निर्बंध करके हरिनाम करोगे तो क्या होगा? बोले यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार। अगर ये हरिनाम करोगे ना तुमको जीवन में सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धि क्या? प्रभुपाद कहते सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, मतलब कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण धाम की प्राप्ति। कृष्णा सर्व सिद्धि मतलब होता है कृष्णा प्रेम, भगवत दर्शन तुम्हें ये हरिनाम से ही मिलेगा। इसलिए महाप्रभु कहते मैं जान बुझ कर सब नहीं करता हूँ, ये हरिनाम मेरे को नचाता है, हरिनाम मेरे को रुलाता है, हरिनाम से ही मैं पागल बनता हूँ। इसलिए महाप्रभु जब दक्षिणी यात्रा में गए थे, हैं दक्षिणी यात्रा जाते समय कोई एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण ने एक प्रश्न उन्होंने सारा दुनिया को उन्होंने पूछा। प्रश्न था साधन क्या और साध्य क्या, समझ रहे कि नहीं? जीवन में हमें क्या साधन करनी चाहिए और हमारे लक्ष्य क्या है, हमको मिलेगा क्या? उन्होंने बहुत लोगों को उन्होंने ये प्रश्न किए, लेकिन सही सही उत्तर उनको किसी ने नहीं दे सके। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंचे, उन्होंने रात को ब्राह्मण एक दिव्य स्वप्न देखा, देखा कोई एक देवता प्रकट हुआ। वो देवता प्रकट होकर कह रहा है बोले यहाँ पर एक सन्यासी आने वाले हैं। उन्होंने उस सन्यासी को दर्शन किया, महाप्रभु को दर्शन किया, बोले ये सन्यासी को तुम प्रश्न करना, वो सन्यासी साधारण नहीं, वो स्वयं भगवान है, इसका सही सही जवाब उनसे ही मिलेगा। वो देवता स्वयं उनको स्वप्न में आकर के बोले सचमुच से सवेरे देखा सी चैतन्य महाप्रभु को मैंने सवेरे दर्शन किया, दर्शन करके उन्होंने बोले आपको मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में आप आकर के आए दर्शन दिए, प्रभु हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और हम साधन क्या करें है? तो महाप्रभु ने कहा देखो ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, यही साधन है और कलयुग में कोई साधन है ही नहीं है, कोई साधन नहीं। कोई जोग का क्लास खोलते ना, कोई जोग कोई समाधि अलग अलग सब क्लास खोलते हैं, ये सब के सब झूठे हैं, ये सब चीटर है सब के सब। कलयुग में भगवान की नाम को साधन छोड़ कोई साधन है ही नहीं। ये भागवत स्वयं कहता है कृते जद धायते विष्णु तृतया जजत मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत हरि कीर्तना। कलयुग में हरि कीर्तन ही सहारे है, परिकृत महाराज जी कली को स्थान दे ही नहीं रहते, क्योंकि कलेर दोषरी थे राजन अस्ति एक महान गुण उन्होंने देखा। यद्यपि कली जी को दोष ही दोष के आगा रहे, उन्होंने देखा एक ही गुण है कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बद पर केवल ये हरि नाम कीर्तन से ही ये जीव का परम कल्याण होने वाले और किसी को द्वारा नहीं, इसलिए उन्होंने कली जी को स्थान दिया। इसलिए हमारे पुराण में बताया हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। पहला लाइन में तीन और दूसरा लाइन में तीन बार बोले, तीन बार क्यों? प्रतिज्ञा करके हैं प्रभु का भगवान का नाम छोड़कर के, एव मतलब ये संस्कृत भाषा में जिसको दृढ़ कर देते हैं, हरि नाम को छोड़ करके छोड़ करके छोड़ करके। अगर हरिनाम छोड़कर कोई दूसरा उपाय करे तो उसको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। और नीचे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तीन तीन बार प्रतिज्ञा करके। इसलिए तीन तीन बार क्यों बोले? बोले एक तो तीन बार से एकदम पक्का हो जाता है, और तीन बार मतलब होता है हम कलयुग का जीव ना एक बार बोलता हूँ नहीं सुनेंगे क्योंकि हम कलयुग का जीव है, एक बार बोलेगा ना नहीं सुनेगा। इसलिए बोले भैया भगवान के नाम को छोड़ करके और किधर जाना ही नहीं। हाँ, इसलिए महाप्रभु बोले की सहने की भोजने की बा जागरणी अहर निश्चिंत कृष्ण बोलो वदनी।
क्या सोते जगते उठते बैठते सोते हर समय क्या करो हरे यही साधन और कोई साधन है ही नहीं। हरि नाम कीर्तन पाइबे सकल महाप्रभु कहते हैं तुम्हें सब कुछ इसी से मिलेगा क्योंकि जो नाम है ये नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिने भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं। नाम ही स्वयं रस स्वरूप ये नाम ही है। नाम से ही तुम्हें सारे रस इसी नाम से ही मिलेगा रस और कहीं से नहीं मिलेगा है। इसलिए नाम को क्या बताया चिंता मणि। इसलिए हमारे एक वैष्णव बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे थे चिंता मणि कैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले मानो आप एक थाली लेकर रास्ता में जा रहे हो देखा 100 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ लेकिन उसका कोई मालिक नहीं तुम्हारे हाथ में थाली बताओ क्या करोगे बोलो क्या करोगे भरोगे बड़े चालाक है भरोगे लेकिन और थोड़ी दूर गए ना देखा 5 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं फिर क्या करोगे क्या सब फेंकोगे बाबा बड़े दिलदार हो सब फेंक दोगे फिर सब को फेंक कर 5 रुपया भरेंगे क्योंकि थली एक है और थोड़ी आगे गए 2000 रुपए निकल गया उसका 1,00,000 रुपया गड्डी फिर क्या करोगे 5 रुपया में क्या करोगे निकलोगे ना बाबा 5 रुपया इसलिए फेंक करके 2000 गड्डी की गड्डी भरोगे मेरे और थोड़ी दूर गई ना हीरे जवाहरात बिखरे हुए पड़ा हुआ फिर क्या करोगे उसको भी फेंक करके हीरे जवाहरात तो उसको भरेंगे हैं। और थोड़ी दूर गए फिर आपको मिला पारस पत्थर जो लोहे को भी जो सोना बना देती है आपको पारस पत्थर मिला फिर क्या करोगे वो हीरे जवाहरात सोने को सब निकालेंगे क्योंकि लोहे और कितना पैसा लाओ टच कराओ सोना बनते जाएगा हैं। इसलिए पारस पत्थर और थोड़ी दूर गए फिर उससे भी कीमती चीज मिली जानते हो उसका कीमती चीज क्या है जिसको भागवत में कहते श्यामानंद मणि हैं जिसको लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा हुई ये सूर्य देवता श्री सतराज को दिया था जिससे अपनी आप अष्टभार सुवर्ण अपनी आप जिससे निकलता रहता है सोने की चटान अपनी आप सोने निकलता रहता है जिसको कहते श्यामानंद मणि हैं। फिर आगे गए थे श्यामानंद मणि मिला फिर क्या करोगे पारस पत्थर को भी हम फेंकेंगे क्योंकि लोहे लाओ टच कराओ फिर बनेगा और इसका अपने आप सोना अपने आप निकलता है अपने आप सोना निकलेगा लेकिन और थोड़ी दूर गए ना उससे भी कीमती चीज मिला जानते हो क्या बताओ उससे क्या कीमती चीज थी कहते चिंतामणि मिला है। ये चिंतामणि चिंतामणि मतलब क्या जो चिंता करो वही मिलेगा जो उससे मांगो वही मिलेगा हैं वो जिसको कहते हैं चिंतामणि। इसलिए कहते चिंतामणि जैसे ये श्यामानंद मणि वो सोना ही देगा और कोई चीज नहीं देगा आपको लेकिन आपको बढ़िया खाने की इच्छा है हैं बढ़िया चटाचट रतले टिकट रसगुल्ला और शाही पनीर मटर पनीर पिज्जा पास्ता घर वो नहीं देगा बढ़िया कपड़ा वो नहीं देगा कपड़ा नहीं देगा दुकान पर कुछ नहीं देगा केवल सोना ही देगा लेकिन चिंतामणि क्या दे सकता है जो मांगोगे जो चिंता करोगे वही मिलेगा वो कहाँ से बोले हरि नाम से इसलिए नाम चिंता मणि कृष्ण इसलिए नाम को ये चिंतामणि बताए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो यही साधन है और साध्य क्या है मतलब मिलेगा क्या बोले यही साधन भी यही और तुम्हारी प्राप्ति भी यही क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिने भगवान से भगवान का नाम कोई फर्क नहीं बल्कि हरि से हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम अंत में निकलाया परिणाम अंत में निकलाया परिणाम हरि से सागर को लंग सके ना बिन
लाई फूल के राम श्री राधे राधे जिस सागर को रंग तकिया बिन आए फूल के राम श्री राधे राधे खुद गए हनुमान उसी को खुद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम हरि से बड़ा हरि का महाप्रभु की जय। महाप्रभु यही उत्तर दिया। अभी बहुत सारे वैष्णव लोग आ गए। अभी ये लोग अपना अपना कथा सुनाए। ठाकुर जी कथा हरे कृष्ण तो अभी